हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज हमारी कावड़ यात्रा का 41वां दिन भाई, और हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, लेकिन बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं कि कुछ कम हो, क्योंकि अंधेरा है अभी बहुत ज़्यादा भाई। बारिश लगातार चल रही है भाई। पहले महाराष्ट्र वाले बोले कि हमारे बारिश नहीं आ रही, अब यहाँ आए तो यहाँ नहीं रुक रही। एमपी वाले बोले हमारे बारिश नहीं है, एमपी में फुल बारिश आई। राजस्थान सालासर से आगे आते ही बारिश शुरू हुई थी, अब तक शुरू है। पीछे पहाड़ों में भी बारिश ही बारिश थी जी। तो भाई जैसी मर्जी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अगर बारिश बंद नहीं होती फिर भी हमको तो चलना है भाई, क्योंकि थोड़ा सा दिन निकल जाए बस। जय भोलेनाथ। भाई अपना ठिकाना पता चल दे, 3 किलोमीटर श्यामना भाई नोंदा दे के आए थे चाह का। अरे भैया तो रह गया हूँ। जय भोलेनाथ भाई। जय भोलेनाथ भाई। तो स्पेशल चाह का नोंदा दे के आए थे, बस सवेरे आना तो मनाम दे पहले फोन कर लिया भाई, चाह पी के ना बारिश आने लग रही है सारी रात की, और चाह पीने लग रही। हाँ भैया तो गर्मा गर्म चाह पी के फिर चला है आज 63 किलोमीटर का, और रह रहे हैं भाई अपना सफर। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ले भाई इतनी बारिश आई है, खंभे देख लो कितने बड़े बड़े खंभे पूरे डूब चुके हैं भाई, नीचे जो तार बांधते हैं, मतलब बारिश जबरदस्त आई है रात को, जबरदस्त बारिश। पहाड़ों के बीच में व्यू देखो भाई, कल जहां तक पूरी गर्मी थी कल यहां, और अब देखो उत्तराखंड वाले पहाड़ों जैसे मौसम, जो धुंध भरे थे, ठंडी हवाएं, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हेलो भाई, अभी रुके हैं चाय पीने के लिए, लगभग 18 किलोमीटर निकालने के बाद मौसम आज मौसम यहाँ पे बैठे हैं चाय पीने के लिए। उप सरपंच गुलाचा चाहा आपला सेवते, मतलब भाई अपने आप ले चाहे यहाँ पे आके। सामने देखो भाई पहाड़। महाराष्ट्र के पहाड़ों के काले पत्थर है भाई, बिल्कुल काले पत्थर, पानी की बूंदे गिर रही है इनके अंदर से। जय भोलेनाथ भाई, आज जल्दी जल्दी चलना है, क्योंकि आज का जो हमारा स्टे है वो है 66 किलोमीटर भाई, 66 किलोमीटर, और आज चलने में भी लेट थे क्योंकि बारिश आ रही थी, तो इतने जब तक दिन नहीं निकला तो इतने नहीं चल पाए भाई, तो अब चलना पड़ रहा है, वरना 5 बजे चलते या 6 बजे चल पड़ते, फिर भी 6:30-7 चले हैं भाई आज, और फिर बारिश का भरोसा नहीं है, रात लेट भी ना हो जाए, इसलिए जल्दी चलना है भाई कुल मिला के। तो चले जा रहे हैं आज, चले जा रहे हैं, वो भी फास्ट फास्ट। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। यहाँ पे बारिश आ रही है भाई, छोटी छोटी बूंदे हवाएं चल रही, देखो कैसे उड़ रहे, और सामने देखो पहाड़ों पे धूप निकली हुई है भाई, कृपा। ये हमारी बाइक भाई, जय भोलेनाथ। फुल कूल ठंडा मौसम। लो भाई आज भी बारिश आ रही है, सामने धूप है। जब तक इंद्रदेव जी मेरे को और गंगा मैया को स्नान नहीं करवा देते हर रोज़, वो सामने देख लो भाई, सिर्फ यहाँ पे बारिश है और सामने धूप है, हर रोज़ मतलब बादल आएंगे और भाई नहला के चले जाते हैं। जय भोलेनाथ, अजब गजब चमत्कार है भाई, देखो सिर्फ मेरे ऊपर काले बादल हैं। ले भाई बारिश आ गई है बहुत जोर से फुल जोर से बारिश, खतरनाक वाली, सब जगह पानी पानी भाई, अब रोड के किनारे चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी ले आ, रोड के किनारे चलना मुश्किल हो जाता है भाई, पैर फिसलते ही आगे, मिट्टी बहुत ही अलग है भाई, देखो मोले मर्जी उस बोलेगी, जुबान भी फिसल रही है भाई।
ला भाई निकू ना कटवा रखा है जूस मौसमी का, मौसमी आ जूस, मौसमी आ जूस पी लो भाई सारे भाई। ले भाई हम रुके हैं आडुल, आडुल गांव भाई, गांव के नाम थोड़े अजीब होते हैं, यहाँ पे आडुल गांव है भाई जहाँ पे रुके हैं। ये मौसमी का बाग पास में ही है और ये अभी जूस पियेंगे। डरो मत भाई, ये देखो भाई कैसे डर रहे हैं मेरे से। मतलब भाई डरावना लगना स्टार्ट हो गया ये मेरे को महसूस हो रहा है भाई। अभी अभी जैसे इंस्टा पे वीडियोस देख रहा हूँ। लो भाई हम चल रहे हैं हाईवे, हाईवे और ये गांव हाईवे के पास, हम पुल के ऊपर से चल रहे हैं हाईवे पे। घर गांव छोटे छोटे, पूरी हरियाली भाई, पूरी पहाड़, अरे भरे रोड, रोड इतने मस्त है भाई। अगर गाड़ी में बाइक पे हो तो मज़ा आ जाएगा, आते हुए बाइक से आएंगे मतलब अच्छा है भाई, रोड बढ़िया है, मतलब कुछ ख़राब है लेकिन कई बीच में 100-200 किलोमीटर के बढ़िया आते हैं, टोटली कुल मिला के बढ़िया है। अभी हमारा ठिकाना रहता है 15 किलोमीटर और आजकल 6:30 बजे तो देखो भाई रात ही हो जाती है, लाइट ऑन है सब जगह। ये है भाई होटल राजस्थानी चौधरी, ये जय भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ जी। ये कौन सी जगह है ये? ये पाचोड़ बाईपास, पाचोड़ बाईपास लगभग टोल से कितना आगे है ये? 1 किलोमीटर। हाँ 1 किलोमीटर पे ये होटल है भाई अपना। आज भाई साहब के पास हमारा स्टे है, दिन में कॉल आ चुकी थी भाई साहब की कि आज जाना है और रुकना है, स्टे करना है जी, तो हमारे लिए अभी बन रहा है खाना और ये है भाई अपना होटल। अगर कोई भी साइड आता हो तो भाई को जरूर सेवा का मौका दे भाई। होटल का नाम दोबारा आपको दिखा देता हूँ। फोन मिला हमारे मुझे, अपनी लस्सी दाल और रोटी भाई। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ भाई, जय भोलेनाथ भाई, हर हर महादेव। ले भाई खाना खाने के बाद थोड़ी आगे जाना है सोने के लिए, वहाँ सोने के लिए जगह नहीं थी तो अभी चले जा रहे हैं भाई। जय भोलेनाथ, निकू पीछे से बाइक लेके आएगा भाई, आ गया निकू भी, आ गया भाई। जय भोलेनाथ भाई, अब देख लो टाइम 11:30 बज रहे हैं और अभी डालनी है भाई गोप्रो में से वीडियो, तो मतलब 1 बजे सोमवार फिर इतने बजे उठा, आज निकाली है 73 किलोमीटर एक दिन में भाई, गजब, मतलब मेरे लिए बहुत गजब था भाई। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।